हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका पार्ट 2 व्लॉग में, जिसमें आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं बेहतरीन बेहतरीन 2023 का जो कलेक्शंस है गोबरा दानकुनी में, वो सब आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक के नहीं देखा है इस व्लॉग का, तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। उस फर्स्ट लिंक को क्लिक करके आप जो है उस वीडियो में पहुँच जाएंगे और उस वीडियो को आप लोग देख ले। और अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो इसे भी आप लोग पहले देख ले, उसके बाद पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पार्ट 2 में आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। वीडियो को काइंडली लाइक करते जाए, 1 सेकंड लगेगा, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे क्लिक कर दो। और लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो क्रिएट करने का। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैं आप लोगों को अभी कलेक्शंस दिखाऊंगा, इसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे बाछी जानवर जो है, कम दाम के मीडियम रेंज ऑफ काउज और दूध वाले जानवर जो है इस खटाल में अवेलेबल है। लेकिन बड़े जानवर भी जैसे हलिकर, ऑक्स हो गया, सब बेहतरीन बेहतरीन जो है वो 2023 का कलेक्शन जो है वो इस कैटल फार्म में आया हुआ है गोबरा दानकुनी में। ठीक है, तो देखो आप लोग, आई होप आप सबको मज़ा आएगा और इंजॉय करो। तो दोस्तों देखो, अभी ये हलिकर ऑक्स और मैं आप लोगों को सब बाकी जानवर दिखाने वाला हूँ। देख लो ये सब अभी ये बैठा हुआ है, आप लोगों को तो अभी पूरा खड़ा करके अच्छे से मैं दिखाऊंगा और ये सब बाकी जानवर दिखाऊंगा। ठीक है, जितना है सब वहाँ देखो, सब तो काउज वहाँ पर दिखाऊंगा वो भी। तो दोस्तों ये रहा हलिकर ऑक्स, देख सकते हो इसका बनावट बनावट भारीपन सब कुछ देखो। और वो चारों बैल बहुत ज़्यादा उमदा था, हर चीज़ में परफेक्ट, हाइट बहुत ज़्यादा है। अभी तो बनेगा चारों का चारों, तो और अच्छा हो जाएगा। और ये हलिकर ऑक्स आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, तो देखो एक बार कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताओ कैसा है हलिकर ऑक्स ये वाला। मैं आपको खड़ा करके दिखा दूंगा एक बार अच्छे से। ठीक है, और मैं ये सब आप लोगों को बाछी जानवर दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो 2023 के लिए जो है वो तैयार हो रहा है गोबरा दानकुनी के खटाल में, पीला गेट। और ये देखो बाछी है ये पूरा का पूरा। और ये सब अभी जो है वो जैसे अब कहते हैं ना, हल जोत के जो गाय बैल आता है वहाँ पर से जो है अभी ये लोग आया है। तो देख सकते हो बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये वाला अगले साल जब बनेगा तो देख सकते हो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा अगले साल तक के। देखो सलामी कुछ है ही नहीं उसका, तब भी है वापस सलामी, देख सकते हो काफ़ी अच्छा वो बैल, लेकिन इसका कुछ नहीं है, टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन बनेगा जब मैं आप लोग दिखाऊँगा। ठीक है, देखो भाई तुम लोग, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ये सब। देखो ये देखो माशाल्लाह, चेहरे की खूबसूरती देखो तुम एक बार इस जानवर की, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार देख सकते हो इसके चेहरे की खूबसूरती, ओवरऑल बनावट। मैं इस जानवर को खड़ा करूंगा ज़रूर आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो मुझे काफ़ी अच्छा, ये एक बयान हो चुका है और भाई बता रहे जैसे तो एक बयान हो गया है। और मैं आप लोगों को इसको एक बार खड़ा करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये मुझे स्पेशली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये जो है एक बयान हो गया है, तो मैं आप लोग को एक बार खड़ा करके दिखा दूंगा। ये देखो ये वाला और ये वाला, दोनों का दोनों अपने आप में, ये थोड़ा टूटा हुआ है लेकिन वो आस्ते आस्ते बनेगा। और ये वाला तो जब बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये लास्ट जानवर देखो, इसका ब्रीड आप लोग गेस करके बताओ। ठीक है, ये कौन सा नस्ल का जानवर है, गाय कौन सी नस्ल की है, ये मैं आप लोगों को देता हूँ, ब्रीड का गेस करो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है ये वाला, ये वाला मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, और हलिकर मैं आप लोगों को खड़ा कर दूंगा। और ये वाला दोनों अपने आप में, हाइट बहुत ज़्यादा है और चारों का मतलब कि क्या ही बताऊँ, मतलब कि जानवर का चूजिंग काफ़ी अच्छा हुआ ये खटाल में रखने के लिए अगले साल, माशाल्लाह। ये देखो ये सब मैं आप लोगों को दूध वाला जानवर दिखा रहा हूँ, लेकिन दूध वाले जानवर के साथ साथ जो है ये जानवर काफ़ी अच्छा बनावट में अभी भी है। ठीक है, 2 से 3 बयान हुआ होगा। और ये सब मैं आप लोगों को कुछ मुल्तानी जानवर भी दिखाता हूँ। तो जैसे देखो आप लोग, ये खटाल में देसी जानवर की जो मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और दूध वाला जानवर भी जो है यह खटाल में जो है वो रखा गया है, जैसे कि देखने को मिल रहा है आप सभी लोगों को। ठीक है, ये देखो, ये देखो मैं आप लोगों को कुछ, ये देखो ये जैसे कि ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ मुल्तानी है, और मुल्तानी है शायद ये, मैं तो ये जो है वो दूध देने वाली जानवर है, और जो दूध देने वाली जानवर जो है वो ये खटाल में रखा गया है फॉर मिल्किंग पर्पजेज। ठीक है, और अभी सब जो है जानवर और आएगा, जैसे ये सब देख रहे हो, कुछ कुछ जानवर काफ़ी अच्छा है जो बनने के लिए 2023 के लिए रखा गया, जैसे कि ये देखो ये वाला। ठीक है, ये अगले साल बनने के लिए जो है रखा गया है, और ये जो है दूध भी दे रही है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ये स्ट्रक्चर ये मेनटेन करके रखी है अपना। ठीक है, जैसे दूध भी दे रही है और इसका जो काफ़ी अच्छा बनावट भी है बॉडी का, देख सकते हो हर तरफ से भरा हुआ, माशाल्लाह गोल मटोल है हर तरफ से। देसी जानवर में जब भी दूध निकलता है तो उसमें एक चीज़ देखा गया है कि जो है A2 की मात्रा इन सभी जानवरों में, देसी जानवरों में जब भी दूध देती है तो काफ़ी पाया जाता है A2 की मात्रा, जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है
हम सभी लोगों के लिए, अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो ठीक है, ये देसी जानवर जैसे है ये सब एक टाइम का 4 से 5-6 लीटर तक की दे देती है, इसमें A2 की मात्रा पाई जाती है। तो ये सब मैं आप लोगों को, ये सब तो कुछ बाछी जानवर है और ये सब अगले साल के लिए रखा गया, अभी और आएगा तो भर जाएगा हर तरफ से ये सब। देखो ये खड़ा कर दिया हूँ मैं आप लोगों को, एक बार खड़ा का आप लोग एक बार स्ट्रक्चर देखो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कमेंट करें। देखो बनावट हर तरफ से भरा हुआ, भैया बोले कि और अभी ये बना रहता है लेकिन ये थोड़ा बीमार पड़ गया था बीच में। ये देखो फेस की तरफ गौर करो, देख रहे हो, मतलब क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। ये अगर सोचो अगर बीमार नहीं हुआ रहता तो किस लेवल का होता, अभी तो तब भी ये रिकवर कर लिया है अपना बॉडी। ये देखो ये सब देसी जानवर है, अभी सबका दूध निकाला जाएगा एक एक करके, अभी टाइम हो चुका है दूध निकलने का ये लोग का। ये देखो ये पूरा खटाल का आउटर व्यू देख सकते हो तुम लोग, ये पूरा का पूरा खटाल है, काफ़ी अच्छा जो है शेडिंग किया गया है, और दूर में कुछ बच्चे भी दिखते होंगे आपको। ये देखो ये हलिकर ऑक्स जो है वो दूर से कितना आप लोगों को फुल फ्रेम में दिखता होगा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो लग रहा है, अगले साल के लिए जब बनेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख सकते हो ये आप लोग को मैं खड़ा करके दिखा दिया, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं इसे खड़ा करके आप सबके लिए दिखाऊंगा, तो ये खड़ा कर दिया हूँ मैं। और आप लोग इसका एक बार फेस देखो, ओवरऑल काफ़ी अच्छा फेस का जो ब्यूटी है, और जब मैं खड़ा हुआ है तो मुझे इसका हाइट का अंदाज़ा पता चला है कि मेरे हाइट से भी ऊँचा है, और ये भी जो है मेरे हाइट से ऊँचा है, बट मैं इसे उठाऊँगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाँप रहा है ये, ठीक है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों आज के दिन, इसीलिए जो है सब जानवर जो है हाँप रहे हैं, और ये ओवरऑल इसका हाइट आप देख सकते हो मेरे हाइट से भी ऊँचा है। तो जैसे कि ये है एकदम आखिरी जानवर जिसका मैं आप लोगों को ब्रीड का गेस करने के लिए बोला हूँ, ठीक है। तो ये भी जो है अभी आई थिंक ये गाबिन है, और ये वाला आप लोग एक बार देखो पीछे से, मैं आप लोगों को फुल रोटेशन घूम घूम के दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को एक बार अंदाज़ा पता चलेगा कैसा है ये वाला। ये देखो ये वाला दूर से आप लोगों को फुल फ्रेम में दिखता होगा ये वाला, और ये वाला मैं नहीं उठा क्योंकि ये हाँप रहा है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा लेंदी है ये जानवर, और उसका फेस की तरफ मेरा बार बार जो है नज़र जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, झालर वगैरह बोलो। ये देखो मैं आप लोगों को ये सब जो है उठाया नहीं हूँ, लेकिन हलिकर ऑक्स जो है उठा के दिखा दिया हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसका जो है बनावट, काफ़ी अच्छा, अभी तो एक साल बनेगा तो मतलब किस लेवल में चले जाएगा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हाइट भी है। तो यही है देख लो तुम लोग, घूम घूम के मैं दिखा रहा हूँ ये सब जानवर आप लोगों को। ये देखो भैया जो है अभी दूध निकाल रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं कि जो है एक टाइम का जो है ये जानवर जो है 6 से 7 लीटर दे देती है एक टाइम का। और अगर गाय की मैं बात करूँ तो बहुत सारा जो है वो मिल्किंग पर्पजेज के लिए भी रखा गया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा अच्छा जानवर रखा गया ये लाइन में और वो लाइन में, अभी तो और तैयार होगा ये दोनों लाइन का, और भरेगा भी और जानवर आएगा आस्ते आस्ते। और ये सब जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये सब जो है सब के सब दूध वाले जानवर, ये है सब कुछ दूध वाला जानवर यहाँ पर रखा गया है, लेकिन दूध वाले जानवर के साथ साथ कोई अच्छे जानवर भी रखे गए हैं, देख सकते हो तुम लोग। Her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada çift flow mus'ab. Manatır hak kitap, yalan ve hakikat. Cabası tarikat. Sana yok az derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güfle saldır. Biz Rabbe müptelayız. İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nuri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Davet, nefse ikamet, hem de tek çare Allah, Allah. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat Allah, Allah.
तो दोस्तों काफी अच्छा रहा टूर ये फार्म का, जैसे देख सकते हो आप लोग पीला गेट गोबरा में जो है लोकेटेड। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया जो है बड़ा बड़ा बैल आया गया है, और भाई का कहना है कि एक साल इसे परफेक्टली तैयार किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी जो है बड़ा बड़ा बैल यहाँ पर लोकेटेड है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि दानकुनी का आप लोगों को दिखाया था, वैसे ही मैं आप लोगों को गोबरा का भी दिखा रहा हूँ। यही फार्म था, ये रहा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और काफी अच्छा रहा टूर ये फार्म का, बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी ऑफ एनिमल्स हम लोगों को देखने को मिले। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबको जो है ये ब्लॉग दो पार्ट वाला अच्छा लगा होगा। पार्ट वन जरूर देख ले आप लोग, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप मिलेगा आप लोगों को। इस वीडियो का अगर आप लोगों ने देख लिया तो लाइक करते जाए, एक सेकंड लगेगा लाइक मार दो दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दो नीचे चैनल, रेड कलर का बटन होगा उसे क्लिक कर दो, ठीक है ना, कि लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होता है आप सबके लिए एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे कंटेंट्स क्रिएट करने का। तो मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहें, घर में रहें एंड सेफ रहे। बाय बाय, मीट यू ऑल सून।